हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या है बेटा, खैरियत से? हम लोग ठीक ठाक हैं। बेटा, आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है हार्मेशियन प्रोडक्ट का, हार्मेशियन मैट्रिक्स का। इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं आपके पास। आपसे कहते हैं कि शो दैट द मैट्रिक्स ए इज हार्मेशियन मैट्रिक्स। तो या तो वो आपसे कहेगा कि हार्मेशियन मैट्रिक्स आप इसको प्रूव करें, या फिर वो आपसे कहेगा कि एस्क्यू हार्मेशियन मैट्रिक्स। तो दोनों बातों में क्या फ़र्क है, तो बातें अभी समझेंगे इस बात को कि हार्मेशियन मैट्रिक्स क्या होता है और एस्क्यू हार्मेशियन मैट्रिक्स क्या होता है। तो दो तरह की चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहला काम कि हार्मेशियन मैट्रिक्स होता क्या है, किस तरीके से बनता है, इसमें प्रोसेस क्या होता है। इसका जो प्रोसेस है वो ये है कि अगर हम इस मैट्रिक्स को, आपके पास किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, चाहे वो 2x2 हो, चाहे वो 3x हो, चाहे वो 4x4 हो, वॉट एवर कैसा भी मैट्रिक्स हो, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इस ए का कॉन्जुगेट निकालना है। मैट्रिक्स ए का जब कॉन्जुगेट निकालेंगे तो ए के ऊपर ये बन जाता है बार, जिसको हम पढ़ते हैं ए का कॉन्जुगेट। अब इस कॉन्जुगेट के अंदर हम करेंगे क्या, जितने भी आयोटा वाली टर्म है, जितने भी आयोटा वाले फैक्टर्स हैं, उसका साइन आप कर देंगे अपोजिट। ठीक है ना, जो भी आयोटा वाली फैक्टर्स नजर आ रहे हैं आपको, जैसे ये आयोटा है प्लस में, ये माइनस में हो जाएगा, ये -2 आयोटा है ये प्लस में हो जाएगा, ये 9 आयोटा है ये प्लस में है ये माइनस हो जाएगा। तो जो जो आयोटा वाली टर्म आपको नजर आ रही है जिसमें आयोटा इन्वॉल्व है, इसकी साइन आप क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कॉन्जुगेट में हम ये काम कर रहे हैं। अच्छा, जिसमें आयोटा नहीं है, ये टर्म आपको ये डायगनल नजर आ रहा है 1584, इसमें आयोटा नहीं है, तो जिसमें आयोटा नहीं है उनकी साइन चेंज नहीं होगी। तो साइन चेंज किसकी होगी बेटा, साइन चेंज सिर्फ उसकी होगी जो आयोटा जिसमें इन्वॉल्व है। तो ये बात क्लियर मैंने आपको बता दी। तो क्या 1 की साइन चेंज होगी, नहीं, क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है, तो 1 ऐसे ही आ गया। ये माइनस आयोटा है, तो आयोटा आ गया ना, तो साइन चेंज होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि मैंने कहा था कि आयोटा वाले टर्म का साइन क्या कर देंगे, चेंज। तो ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। 2 आयोटा का साइन यहाँ पे क्या है, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। फिर माइनस का 9 आयोटा है तो ये प्लस का 9 आयोटा हो गया। सेकेंड कॉलम में आते हैं, ये आयोटा प्लस में है, क्या हो जाएगा, माइनस में आयोटा। ये 5 है, क्या इसमें आयोटा है, नहीं, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये -5 आयोटा तो ये प्लस का 5 आयोटा हो जाएगा, -2 आयोटा ये प्लस का 2 आयोटा। ठीक है बेटा, थर्ड कॉलम में आते हैं, -2 आयोटा ये हो गया प्लस का 2 आयोटा, फिर 5 आयोटा प्लस का है ये हो गया माइनस का 5 आयोटा, ये है 8, क्या इसमें आयोटा है, नहीं, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। इसमें आयोटा प्लस का है, ये क्या हो गया, माइनस का आयोटा। 9 आयोटा प्लस में है, माइनस का 9 आयोटा। फिर 2 आयोटा प्लस में है, ये हो गया माइनस का 2 आयोटा। फिर ये माइनस का आयोटा, ये क्या हो गया, प्लस का आयोटा। ये 4, इसका साइन चेंज होगा, नहीं, क्यों नहीं होगा, इसमें आयोटा नहीं है। तो बेटा ये आपने क्या निकाला, ये आपने ए का कॉन्जुगेट निकाल दिया। तो यहां तक तो ये बात आ गई। अब प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये है कि आप इस ए को आप क्या करें, इसका कॉन्जुगेट निकालें एंड देन उसका क्या कर दें, ट्रांसपोज कर दें, यानी ए के कॉन्जुगेट का आप क्या कर दें, ट्रांसपोज कर दें। तो ये वापस से क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को समझिएगा कि करना क्या है। करना ये है कि ए का पहले आप कॉन्जुगेट निकालेंगे, देन कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज निकालेंगे, देन जब आप कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो क्या बन जाएगा आपका, वापस से ए बन जाएगा। तो देखते हैं, अभी हमने क्या किया, ए से हमने ए का कॉन्जुगेट निकाल दिया, ये स्टेप हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। अब सेकंड स्टेप क्या है, इस कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज निकाल दीजिए। तो ट्रांसपोज बेटा आप सबको पता है ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, तमाम रोज को कॉलम में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका मतलब ये फर्स्ट रो कन्वर्टेड टू फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो कन्वर्टेड टू फर्स्ट कॉलम, यानी पहली रो की वैल्यू 1 -i, ये पहली रो की वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर हाईलाइट करके, ये फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो की वैल्यू को हम फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया 1 -i, 2i एंड देन माइनस का आयोटा, फर्स्ट रो कन्वर्टेड टू फर्स्ट कॉलम। ना सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम ये रहा सेकंड कॉलम बेटा। अब सेकंड कॉलम को, सेकंड
सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, आयोटा फाइव माइनस फाइव आयोटा एंड देन माइनस का टू आयोटा, ये सेकंड कॉलम हो गया बेटा। अब इसके बाद थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस का टू आयोटा फाइव आयोटा एट एंड देन आयोटा, ये थर्ड रो कन्वर्टेड टू थर्ड कॉलम नाउ। अब इसके बाद लास्ट रो कन्वर्टेड टू यानी फोर्थ रो कन्वर्टेड टू फोर्थ कॉलम, नाइन आयोटा टू आयोटा माइनस आयोटा फोर। तो आपने ये क्या काम किया बेटा, आपने ये जो काम किया वो आपने कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज निकाल दिया। तो अब चेक कीजिए अपने इस आंसर को इस आंसर से, क्या इसकी फर्स्ट रॉ इसकी फर्स्ट रॉ सेम है, चेक करें। वन आयोटा माइनस टू नाइन, बिल्कुल फर्स्ट रॉ इन दोनों की सेम है। क्या इन दोनों की सेकंड रो सेम है, बिल्कुल साइन समेत दोनों की सेकंड रो सेम है। क्या इनकी थर्ड रॉ सेम है, चेक कीजिएगा, बिल्कुल इन दोनों की थर्ड रॉ सेम है। फिर इसके बाद क्या इनकी लास्ट रॉ सेम है, बिल्कुल सेम है साइन समेत बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब क्या किया आपने, आपने पहला स्टेप क्या किया, आपने कहा ए को आपने कन्वर्ट किया किसमें, ए कॉन्जुगेट में। देन उसके बाद ए कॉन्जुगेट को कन्वर्ट किसमें किया, ए ट्रांसपोज में। तो क्या ये आपका बन गया ए, बिल्कुल बन गया। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो आपका मैट्रिक्स कौन सा हो गया, ये हार्मीशियन मैट्रिक्स हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका हार्मीशियन मैट्रिक्स हो गया। तो ये हो गई बेटा आपकी कौन सी वीडियो, कि जब भी आप कन्वर्ट करें किसी भी मैट्रिक्स को इस तरह से कि कॉन्जुगेट निकाल के ट्रांसपोज निकालें, अगर वो ए बन गया तो उसका मतलब ये क्या बन गया, ये हार्मीशियन मैट्रिक्स बन गया। तो हमने अभी कौन सा टॉपिक कवर किया, ये अभी हमने कन्वर्ट किया किसके अंदर, हार्मीशियन मैट्रिक्स में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, स्क्यू हार्मीशियन मैट्रिक्स, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपके, इंशाल्लाह नेक्स्ट स्क्यू हार्मीशियन समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, उसको जरूर देखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।